हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम जेड ट्रांसफॉर्म की नेक्स्ट प्रॉपर्टी कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी के बारे में। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हमारे पास हमारे पास दो सिग्नल हैं x1, इसका जेड ट्रांसफॉर्म भी हमें पता है, मान लिया वो कितना x1z, और इसका ROC भी हमें मालूम है। देखो, ROC का पीछा मत छोड़ना, जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ लो। तो एक दूसरा सिग्नल है हमारे पास x2n, जिसका z ट्रांसफॉर्म हमें मालूम हो। मैंने कह दिया x2 ऑफ z, इसका z ट्रांसफॉर्म है, और इसका ROC मान लिया मैंने, मुझे पता r2। देन ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर मैं कन्वोल्यूशन करता हूँ टाइम डोमेन में, किसमें करना है कन्वोल्यूशन? टाइम डोमेन में। तो ये कन्वोल्यूशन का साइन स्टार जैसा, x2n के साथ अब मैं कन्वोल्यूशन करता हूँ, देन फ्रीक्वेंसी डोमेन में या z डोमेन में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये सारी प्रॉपर्टी में एक ही कॉमन चीज़ है, चाहे लाप्लास पढ़ो, फोरियर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, सब में क्या होता है? कन्वोल्यूशन होता है टाइम डोमेन में, तो जो दूसरे डोमेन है फ्रीक्वेंसी डोमेन, उसमें क्या हो जाता है? उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, x1z मल्टीप्लाई बाय x2z। ROC पे क्या फ़र्क आएगा? ROC क्या आएगा इस पर? इन दोनों का इंटरसेक्शन, R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये किसका साइन है? कन्वोल्यूशन का साइन है। क्या बता रहा है ये? कन्वोल्यूशन। अब एग्जांपल देखेंगे हमेशा की तरह। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमें कोई एक x1n सिग्नल ये दे रखा है, 2, 3, 4। ठीक, एक दूसरा सिग्नल है हमारे पास x2n, इसका हमें कितना दे रखा है? -3, 4, 5। ठीक है, हमसे कह रहा है फाइंड द कन्वोल्यूशन ऑफ x1n एंड x2n। हमसे पूछा फाइंड कन्वोल्यूशन x1n x2n कितना होगा, ये बताना। ठीक है, ये चीज़ें देखो, मैं कन्वोल्यूशन पढ़ाया था जब भी बताई थी, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल लेना जरूरी है इसी का। देखो, करते हैं इसको, तो इनका इसको मैं क्या कर सकता हूँ, x1n को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इम्पल्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। चलो इम्पल्स की फॉर्म में लिखते हैं। x1n को मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं मार्क किया होता, वहाँ पे क्या होती है? ओरिजिन की पोजीशन सबसे पहला एलिमेंट, तो ये जो 2 होगा ये क्या होगा? उसकी ओरिजिन की बताएगा उसको, 2 डेल्टा n। अगला फिर क्या होगा? 1 पे ये n=0 बता रहा है, ये n=1, ये n=2। जहाँ पे मार्क नहीं किया जाता है, वहाँ पे जो सबसे लेफ्ट वाला एलिमेंट होता है वो n=0 को डिनोट करता है। देन हो जाए डेल्टा n-1, देन हो जाए 4 डेल्टा n-2। x2n को भी इसी तरीके से लिखो, वहाँ पे तो पोजीशन मार्क की हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या होगा? n=-1, ये n=0, ये n=1, यानी 3 डेल्टा n+1 प्लस 4 डेल्टा n और 5 डेल्टा n-1। 5 डेल्टा n-1। तो हमें क्या चाहिए कन्वोल्यूशन के लिए? x1z और x2z। तो हमें पता है कन्वोल्यूशन निकाल लेंगे हम, डेल्टा n का होता है 1, इसमें टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे फिर, तो x1z कितना आ जाएगा? हाथों हाथ निकाल लेते हैं, x1z कितना आ गया? 2 डेल्टा n का होता है 1। ठीक, 3 डेल्टा n का तो 1 हो गया, डेल्टा n-1 का करेंगे तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से z-1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जेड की पावर n-2। ठीक, x2z निकाल लेते हैं इसी तरीके से, निकालो ये कितना आया? 3 z की पावर 1 आएगा, प्लस 1 से शिफ्टिंग है तो ये हो जाएगा 4 डेल्टा n का तो 1 होने वाला, ये हो जाएगा 5 डेल्टा z की पावर-1। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सबको आती है, मान के चल रहा हूँ। तो हमसे पूछा गया था x1n कन्वोल्यूशन x2n कितना होगा,
ये होगा एक्स वन जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स टू जेड, ठीक है। आर ओ सी बता दूँ, आर वन जो है यहाँ पे इसका आर ओ सी कितना है, यहाँ पे देखो जेड केवल डिनोमेटर में रहा, ये थ्री अपॉन जेड हो जाएगा, तो जेड की जगह क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जेड की जीरो रख देंगे डिनोमेटर में तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पूरे एंटायर जेड प्लेन में से क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट जीरो, एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट किसकी क्या नहीं होनी चाहिए, जेड उसमें केवल जेड इक्वल्स टू जीरो। इसका आर टू का क्या कहता है, आर टू का इसमें क्या आ रहा है, जेड जो आ रहा है न्यूमरेटर में भी आ रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे जेड की पावर वन ना, तो जेड की जगह मैं इन्फाइनाइट रखूंगा, पूरा इन्फाइनाइट बन गया, एक तो इन्फाइनाइट नहीं होना चाहिए, दूसरा जेड की पावर माइनस वन यानी वन अपॉन जेड में जाएगा अगेन, ये जेड जेड की जगह जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, दो चीज़ जगह ये डिफाइन नहीं है, जेड इक्वल्स टू जीरो और जेड इक्वल्स टू इन्फाइनाइट। तो इसमें क्या होना चाहिए, एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू जीरो एंड जेड इक्वल्स टू इन्फाइनाइट, ठीक है। आर ओ सी जो आने वाला है, क्योंकि आर ओ सी जी क्या आएगा, इनका क्या आएगा, हमारा फाइनल आर ओ सी आर वन इंटरसेक्शन आई टू। तो पहले ये वाला पार्ट फाइंड कर लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, बस मैं ऊपर से उतार लेता हूँ, एक्स वन जेड कितना आया था, ये आया था हमारा टू प्लस थ्री जेड इनवर्स फोर जेड की पावर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री जेड प्लस फोर प्लस फाइव जेड की पावर माइनस वन, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। आर ओ सी मैं अगले स्टेप में निकाल कर दिखा दूंगा। तो टू की इसमें की तो माइनस सिक्स जेड प्लस टू की फोर में की तो एट आ गया, और टू की फाइव में करेंगे तो टेन जेड की पावर माइनस वन आ गया, इसमें की तो माइनस नाइन आ जाएगा, जेड की पावर माइनस वन से जेड करेंगे तो वन हो जाता है। तो तीन की इसमें करेंगे बारह जेड की पावर माइनस वन और पंद्रह जेड की पावर माइनस टू, ठीक। फोर की इसमें करो माइनस ट्वेल्व जेड की पावर माइनस वन बचेगा यहाँ पे की तो, और यहाँ पे हो जाएगा सिक्सटीन जेड की पावर माइनस टू हो जाएगा, और ये आ जाए ट्वेंटी जेड की पावर माइनस थ्री, ट्वेंटी जेड की पावर माइनस थ्री, क्रम में लगा दो सही ऑर्डर में, मतलब पहले जेड की प्लस पावर आनी चाहिए, देन जेड की पावर नेगेटिव वाली आनी चाहिए। तो जेड की पॉजिटिव पावर के कहाँ कहाँ पर दिख रही है, माइनस सिक्स जेड और कहीं पर है क्या, कुछ नहीं है, केवल माइनस सिक्स जेड। उसके बाद जेड की पावर जीरो आएगा, जेड की पावर जीरो मतलब कॉन्स्टेंट वाले, आठ हेरा एट माइनस नाइन माइनस वन बचा और माइनस वन बचा यहाँ पर, ठीक है। देन जेड की पावर माइनस वन वाले, तो टेन ये रहा बारह ये रहा ट्वेंटी टू हो गया, और ट्वेंटी टू में से अगेन ये बारह, ये वाले तो टर्म कैंसिल हो गए, बारह जेड की पावर माइनस वन बारह जेड की पावर माइनस वन से, तो यहाँ पे कितना बचा केवल टेन जेड की पावर माइनस वन। अब देखो जेड की पावर माइनस टू वाले टर्म कितने, पंद्रह और सोलह, ये थर्टी वन हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करूँगा, थर्टी वन जेड की पावर माइनस टू, एंड आगे क्या फिर ट्वेंटी जेड की पावर माइनस थ्री, ठीक है। अगर तुम इससे देखो रहोगे ना आर ओ सी क्या दिख रहा होगा, एक तो जेड की इन्फाइनाइट नहीं होने चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, जेड की जगह जीरो नहीं होनी चाहिए। अब देखो यही काम यहाँ पे कर देते हैं हम, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये आर ओ सी निकाल दो वहाँ पे, क्या पहले वाले में क्या था, जेड इक्वल्स टू जीरो नहीं होना चाहिए, दूसरे में क्या कह रहा था वो इंटरसेक्शन, जेड इक्वल्स टू जीरो जेड इक्वल्स टू इन्फाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो जब मैं आर ओ सी निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, निकाल दो बस, आर ओ सी का मतलब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन चीज़ है। तो पहले वाले में कह रहा था जेड इक्वल्स टू जीरो हटाना, दूसरे वाले में क्या कह रहा वो, एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू जीरो, जेड इक्वल्स टू जीरो दोनों में कॉमन है, जो कॉमन है तो वो उसमें आएगा, तो इसका मतलब हमें जो क्या 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 हटाना, एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, जेड इक्वल्स टू जीरो दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट थिंग क्या, एंड
एंड जेड इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। नहीं नहीं जेड इक्वल्स टू इनफाइनाइट पहले में नहीं आ रहा ना, तो दूसरे में क्यों आएगा, ठीक है। एंड बस यही आ जाएगा हमारा पूरा आर ओ सी। पहले जो इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, जब सेट बनाते हैं तो क्या करते हैं, वह कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। अगर दोनों लिख दिए फिर तो वो यूनियन बन जाएगा, ठीक है, कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। तो जो फाइनल आर ओ सी होगा उसमें क्या होगा, जेड इक्वल्स टू जीरो नहीं होना चाहिए, बस इस तरह से हम क्या करते हैं इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। बस ये चीज़ समझनी है इसमें करना क्या, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बस ये ध्यान रखना कि अगर टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन हो रहा है, फ्रिक्वेंसी डोमेन में केवल मल्टीप्लाई हो जाती है उनके कन्वोल्यूशन उनके ट्रांसफॉर्म्स की, चाहे वो कोई सा भी ट्रांसफॉर्म हो। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।